हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की वैगनर है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी कार है। इसका सक्शन पाइप ना लीकेज हो गया है, इसकी वजह से इसमें कूलिंग नहीं हो रही। कूलिंग हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, तो इसकी वजह से हम इसका सक्शन पाइप चेंज करेंगे। तो वो मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लीकेज हुआ है। चलो बाहर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं हाई और लो और एडेप्टर लगा के रखा हूँ, और ये वाली पाइप जो देख पा रहे हैं लीकेज हो गया है। जैसा कि देख रहे हैं, पूरा गीला गीला ऑयल से गीला हो गया है। मैं ज़रा साफ़ करके दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं पूरा गीला हो गया पाइप, यानी लीक हो गया है। इधर भी दिखा समझ में आता होगा आपको। इस वजह से हम इसको रिप्लेस करेंगे और नया पाइप हमने मंगाया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इसका प्राइस भी देख लीजिए, 1175 का है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, फाइनली नया वाला पाइप हम फिटिंग कर दिए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, फिटिंग कर दिया हूँ नया वाला पाइप, और ये रही जूनी वाली पाइप। और मैं इसको वैक्यूम में लगा देता हूँ। अब नौ मिनट के लिए वैक्यूम में लगा देता हूँ, फिर गैस वगैरह मार के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, वैक्यूम अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको गैस क्लीन में ले लेता हूँ। ढाई सौ ग्राम गैस मारूँगा इसमें। आगे देख पा रहे हैं, 250 ग्राम गैस फिल कर दिया हूँ। अब आगे गाड़ी चालू करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली अपन पाइप फिट कर दिए हैं इसका, और गाड़ी अभी चालू है जैसा कि देख पा रहे हैं। और एसी चालू रखा है हमने, जैसा कि देख पा रहे हैं। ब्लोड भी चालू है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 4.3 पे आ चुका है, यानी कूलिंग बराबर हो रहा है। और इसका पाइप भी देख लीजिए, जो कि मैंने आपको पाइप दिखा दिया था, और लीकेज भी देख लीजिए। देखिए इधर साइड साइड से लीकेज हो गया है, ऑयल पूरा छोड़ दिया था पाइप में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये लीकेज क्यों होता है? ये लीकेज ठंडी और गर्मी के मौसम में ये पाइप सिकुड़ता है और फैलता है, इस वजह से ये लीकेज होने लगता है। और इसका प्राइस भी देख लीजिए, प्राइस भी मैंने आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, 1175 रुपये का पाइप है, ये ओरिजिनल पाइप है, कंपनी का पाइप है। और लीकेज होने का दो ही रीज़न रहता है, या तो ये साइड साइड से छोड़ देता है, जैसा कि देख पा रहे हैं ये नरम हो जाता है पाइप, इसके वजह से लीकेज होने लगता है ये, या फिर ये ठंडी और गर्मी के मौसम में सिकुड़ता है और फैलता है ना, इस वजह से लीकेज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कूलिंग वगैरह सब फिटिंग का प्रोसेसिंग, और पाइप दिखाया अभी पाइप कैसा दिखता है। तो चलो फिर मैं इसका हीटिंग टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको, हीटिंग टेम्परेचर चल रहा है क्या नहीं। जैसा कि देख पा रहे हैं, हीटिंग हाई पे रखा हूँ और एसी बंद कर देता हूँ। एसी पे भी चालू रखेंगे तो हीटिंग टेम्परेचर आना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, 15-16 पे आ गया। थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 45 पे आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो से आपको अगर कुछ समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।